अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ मैं आपको कि के मैप जो हमने लर्न किया था उसमें हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रुपिंग के लिहाज से स्पेशली कि कैसे कैसे ग्रुपिंग हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, उसको मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप स्पेशली क्रिटिकली बार बार देखिएगा तो इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि ग्रुपिंग की कंडीशंस क्या है, के मैप में ग्रुपिंग की कंडीशन है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि 3 की ग्रुपिंग नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, 6 की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब के मैप जो साइंटिस्ट था जो जिसने इसको डेवेल्प किया उसने एक कंडीशन लगाई, वो कंडीशन क्या थी, पेयर मस्ट बी कंटेन, मस्ट कंटेन 1, 2, 4, 8 आर टू एन सेल्स। इट मीन्स के करके उनकी ही ग्रुपिंग हो सकती है जिनकी पावर टू के एन की पावर की ग्रुपिंग हो सकती है, मीन के एन 1 है, 2 है, 3 है, जो इस रेंज में आएंगे उनकी ही ग्रुपिंग होगी। अगर 1 होगा तो 2 हो जाएगी, उसके बाद 2 होगा तो 4 हो जाएगी, इस तरह 8 हो जाएगी, इस तरह इनकी इनकी ही ग्रुपिंग, मीन के ये अलाउड ग्रुपिंग है, ये अलाउड ग्रुपिंग है। इसके अलावा जो इसमें 1 है वो तो 1 अकेला ही होता है, उसकी भी चलो आप इसमें 1 आ जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इसके अलावा जो जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 7 है, इनकी ग्रुपिंग अलाउ नहीं है, उनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। ये बेसिक रूल है जिसको फॉलो करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, ईच पेयर शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, इट मीन्स के आपने मैक्सिमम इनके लार्ज से शुरू करना। फर्ज किया आपका आपका 4 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल के मैप है। अब जो 4 वेरिएबल के मैप में आपको पता है कि कितने सेल्स होंगे, 16 सेल, तो मिनिमम अब देखें 16 सेल्स है तो इसकी ग्रुपिंग जो होगी 16 से स्टार्ट होगी, या पहले देखेंगे आप 16 की होती कि नहीं होती, उसके बाद क्या देखेंगे 16 के बाद उसके बाद 8 की आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद 4 की आ जाएगी, उसके बाद 2 की, और उसके बाद इनकी यूं आप इसको डिवाइड करेंगे कि ये अलाउड पेयरिंग है। तो जो आपने मीन कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है इसमें कि मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपने इसको मैक्सिमम स्टार्ट करना है। सेकंड पॉइंट जो है कि द 4 पेयर कॉर्नर्स आर सेट टू बी एडजेसेंट फॉर वन अनदर, उनके 4 कॉर्नर जो होंगे उनके एडजेसेंट होने चाहिए, उनके एक दूसरे के साथ साथ होने चाहिए, ये नहीं हो कि वो एडजेसेंट ना हो। थर्ड वन, 4 consecutive ones either in any row or in any column are said to be adjacent of one another. 4 consecutive ones either in any row, मतलब किसी भी row में है या किसी भी column में है वो adjacent है, तो हम उसको उसकी grouping 4 की कर सकते हैं। 4 ones forms of square any where in the group table, मतलब के 4 ones जो होंगे तो उनका square जो है कहीं भी आप बना सकते हैं। पेयर में भी हॉरिजॉन्टल, पेयर हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं और वर्टिकल, मतलब पेयर हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल, डायगोनल अलाउ नहीं है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायगोनल की ग्रुपिंग नहीं है। इसकी मजीद मैं इंप्लीमेंटेशन करके भी बताऊंगा कि ये कैसे है। इसके लिए हम के मैप की तरफ जाते हैं, 4 वेरिएबल को लेते हैं इसको समझने के लिए कि आपको समझाना आसान हो। 4 वेरिएबल में आपको पता है कि 16 सेल्स होते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स कि इसमें 16 सेल्स होते हैं, सपोज ए, बी और सी, ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉपर वाइज बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये बैलेंस लगे। इसके 16 सेल्स होते हैं और इसको आप जैसा हमने नाम लिया था, जैसे 0 0 जो भी आपको लिखते हैं इसको पता है। अब मैं जस्ट इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ ग्रुपिंग कौन कौन सी है। सपोज आपका 1 इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, या 4, ये क्या होगी, वर्टिकल हो गई, और इनकी ग्रुपिंग जो है अलाउ है। अब इनकी क्या कर सकते हैं, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो ईजिली इनकी क्या करेंगे, ये ग्रुपिंग। अब ये ग्रुपिंग जो है ये 4 की है तो इसको क्वाड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड, ठीक है। और उसके बाद अगर फर्ज किया 1 इधर होता, ठीक है, 1 इधर होता तो फिर इसकी ग्रुपिंग क्या होगी,
ठीक है, इसकी ग्रुपिंग अब ये इसके साथ हो जाएगी। अच्छा ये भी याद रखें कि एक दफ़ा अगर एक ग्रुप में शामिल हो गया तो वो दूसरे ग्रुप में भी बार बार शामिल हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, आप मैनी टाइम्स उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया कि अगर एक ही तरह, सपोज़ वन इधर है, वन जो है आपका इधर है, आप इसकी ग्रुपिंग देखें, ये एडजेसेंट इसके है, तो ये बेशक ये वन इसके साथ भी शेयर हुआ, तो ये वन जो है, अगर मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करूँ तो ये वन ब्लैक से करता हूँ, ये वन जो है, ये वन और ये वन, ये आपस में शेयर हो सकते हैं। देखिए ये टू टाइम शेयर हो सकता है, इसका थ्री टाइम्स भी हो सकता है, फोर टाइम्स भी हो सकता है। तो इसकी शेयरिंग की, अगर एक दफ़ा शेयरिंग करके उसने ग्रुप बना लिया तो उसको बार बार आप शेयर करके ग्रुप बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, टू टाइम्स हो, थ्री टाइम्स हो, फोर टाइम्स हो, जितनी दफ़ा चाहें आप ग्रुप बना सकते हैं। ये तो होगी फोर की ये बात होगी। अच्छा इसको मज़ीद मैं इसको रेज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखें सपोज अब वन है, इधर भी वन वन है, ठीक है। अब तो सबसे पहले इसकी मैंने भी अर्ज किया कि इसकी आपने मैक्सिमम ग्रुपिंग बनानी है। अब मैक्सिमम क्या बनेगी, ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन आठ का, ऑक्टेट आठ को कहते हैं। तो ऑक्टेट की ग्रुपिंग कैसे बनेगी, फोर ये इधर से और ये फोर इधर से, ये पहले ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये अगर वन रह गया है तो इसकी अलहदा यूं ग्रुपिंग बनेगी, ये ऑक्टेट की ग्रुपिंग बन गई। इस तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये लाइन रिमूव हो गया, हम इसको अगेन ड्रा करते हैं। यस ठीक है, अब इसके अलावा और भी पेयरिंग आप ले सकते हैं। सपोज इसको मैं अब रिमूव करता हूँ वन वन को, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब सपोज आपकी अगर वन इधर है, वन 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 वन, तो ये क्या होगा, क्वाड बनेगा, फोर का ग्रुप बनेगा यूं, ठीक है, यूं फोर का ग्रुप बनेगा। अगर वन इधर हो, अब वन इधर है तो अब दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये समझने की कोशिश है। अब वन इधर है, अब वन के एडजस्टमेंट कोई नहीं है, वन का एडजस्टमेंट ये होगा, वन का एडजस्टमेंट ये होगा, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट है, ये तीन सेल्स जो है इसके एडजस्टमेंट है, और तीनों में कोई भी नंबर नहीं मौजूद, वन मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि इसके साथ किसी की भी पेयरिंग नहीं होगी। आप कहेंगे ये वन तो है, लेकिन बेटा ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये डायगोनल में है। अभी हमने रूल्स में पढ़ा था कि डायगोनल के अंदर ग्रुपिंग नॉट अलाउड, डायगोनल जो है ग्रुपिंग अलाउ नहीं है। तो ये आपने देखना, डायगोनल के अंदर ग्रुपिंग क्या होगी, वो अलाउ नहीं होगी। तो ये आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि कौन सी ग्रुपिंग अलाउ है और कौन सी ग्रुपिंग अलाउ नहीं है। क्लियर? तो ये भी और भी एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि आपको इसको और भी पेश करूँ। और भी एग्जांपल है, जैसे सपोज डायग्राम की एग्जांपल, ये एक वन इधर है, एक वन इधर है, एक वन इधर। आप देखो अब इन सब की ग्रुपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये डायग्राम में है, ये तमाम के तमाम डायग्राम के अंदर मौजूद है, तो इनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। तो क्या कहेंगे, नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं है, उनकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती। क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायग्राम फॉर्म में है, डायग्राम फॉर्म में ग्रुपिंग अलाउ नहीं है। ये भी वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे और इसकी और एक दो एग्जांपल देखते हैं, तो उम्मीद है कि आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। सेल्स भी कुछ रिमूव हो गए हैं, इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं। अच्छा ये इसकी एग्जांपल होगी, और इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप ले लें टू की है, जैसे वन इधर है, सपोज एक वन इधर है, एक वन इधर है, एक वन इधर है, एक वन इधर है। अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये देखें कि इसकी ग्रुपिंग इस तरह भी, ये देखें, ये टू, ये और ये एडजेसेंट है, ठीक है, और ये एडजेसेंट है, इनकी ग्रुपिंग होगी, ठीक है। ये आपके टू टू, ये पेयर होंगे, जब इन तीन तरह के इनके पेयर्स बनेंगे, पेयर्स, उसके बाद क्वाड बनेंगे, उसके बाद आ गए ऑक्टेट,
ऑक्टेट बनेंगे, ठीक है। तो ये तीन तरह की है, उसके बाद 16 का भी बन सकता है, तो आप डिफरेंट होगी। मीनिंग के अब इसमें उम्मीद है कि आपको समझ आगी होगी कि यू मस्ट स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम हाई टू लो। फर्स्ट यू मस्ट इंश्योर विच विल बी द मैक्सिमम पेयरिंग। इट मींस के अगर आपका 16 का सेल है तो उसमें मैक्सिमम ग्रुपिंग 16 बन सकती है। 16 ना होगी तो 8 हो जाएगी, 8 ना होगी तो 4 नहीं तो 2 नहीं तो सिंगल 1, ठीक है। और हम दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जिनकी ग्रुपिंग अलाउ नहीं है वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। ये फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड है अब इसके मुताबिक आपको पता चलेगा कि कौन सी ग्रुपिंग अलाउ है या नहीं ला। जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि 3 की ग्रुपिंग अलाउ नहीं है, उसके अलावा 6 की नहीं अलाउ, 7 की अलाउ नहीं है, इस तरह 9 की अलाउ नहीं है। तो इस तरह डिफरेंट ग्रुपिंग जो है इसकी अलाउ नहीं। इस फॉर्मूले के तहत आप देख सकेंगे कि कौन सी ग्रुपिंग आपकी के मैप के अंदर अलाउड है, कौन सी अलाउड है। डायगोनल अलाउड नहीं है, तो इस लिहाज से आपको उम्मीद है कि समझ आगे होगी। इंशाल्लाह लेक्चर में जब ऑनलाइन होंगे तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।